सोशल मीडिया से हम कैसे बचे? बिकॉज इट इज एडिक्टिव. कुछ स्टडीज हुई हैं जहां से निकल करके आ रहा है, इट इज एज एडिक्टिव एज एल्कोहल एंड टोबैको. और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है. कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे? और सिर्फ यहां पर नहीं, कितने लोग हैं, मतलब हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी दुनिया है, ऑलमोस्ट सब है. और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे, मिनिमम अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे. इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में है. इस सच को देख पा रहे हो? क्यों मैं ये कह रहा हूं माइनस में है? जीरो होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी. मतलब जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल, ना कुछ आया ना गया. यहां पे आया कुछ भी नहीं, जा रहा है बहुत तेजी से. सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, और क्या जा रहा है साथ में? एनर्जी जा रही है. देख पा रहे हो? इसको यूज करने के बाद में 4-5 घंटे बाद क्या होता है? बहुत एनर्जी आ जाती है अंदर से, या थक जाते हो? आंखें थक जाती हैं या आंखों में एकदम एनर्जाइज हो जाती है? थक जाती है बॉडी, थक जाती है हाथ, यहां पे थक जाते हैं, नेक थक जाती है, बैक थक जाती है, दर्द होने लग जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है. तो माइनस में है इसकी रिटर्न. पढ़ाई से हट रहे हो, जो भी करना चाहते हो वहां से हट रहे हो, ब्रेन आपकी क्या होती है ये सब देख करके, ये सब करके शार्प होती चली जाती है, माइंड शार्प हो जाता है या डल हो जाता है? बैठे रहो, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखते रहो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ. तो इसका जो सोल्यूशन है, अगर ध्यान से आप समझ पाओगे, उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूं. और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, यहां पे बैठे हो तो समझ रहे हो, खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार 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 कि मैं कर क्या रहा हूं. और इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन है? अगर मेरे सारे सेशंस का आप एसेंस निकालोगे, वो है क्वेश्चनिंग, नॉट मोटिवेशन. बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को मोटिवेशन के लिए देखते हैं, बेवकूफ है वो लोग. फिर मेरी वीडियोस में या आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, कोई फर्क नहीं. मेरी वीडियोस भी मजे के लिए देख रहे हो या थोड़े चार्ज्ड अप होने के लिए देख रहे हो, वहां भी मजे के लिए देख रहे हो, फर्क क्या रहा? मजा भी टेम्पररी, मोटिवेशन भी टेम्पररी. तो कब फायदा है मेरी वीडियोस देखने का? जब आप देखो एंड यू गो इन अ कंटेम्पलेटिव स्टेट. मतलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कह रहे जो बंदा कह रहा है बात तो सही है, जो कह रहा है उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रही हूं, सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं? अगर इस तरह के आप क्वेश्चन पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना. अगर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे जिसके बेस पे मैंने आपको जवाब दिया और उसको आपने रट लिया, तो आप में और एक तोते में कोई फर्क नहीं है. पता आपको सब कुछ होगा, कर कुछ भी नहीं पा रहे हो. ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ? प्रैक्टिकली नहीं आती है. बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी बातें सारी समझ तो आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पाते. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं है ना. आपकी बातें कैसे बनेंगी? उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना. किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से. दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो, जीरो. ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है. क्वेश्चनिंग ही तो फर्क है आप में और एक जानवर में, एक गली के कुत्ते में और आप में. फर्क क्या है? कभी सोचा है अपने आप से बैठ? थोड़ा कड़वा तो नहीं लग रहा? मैं कई बार बोलता तो हूं इतना स्ट्रांगली, मेरे को खुद को अजीब लग रहा होता है, लेकिन कई बार ये चीजें जरूरी होती है. सो अगर हम मिल करके क्वेश्चनिंग करें, और सिर्फ यहां पर ना करें, इसके बाद भी करें, इसके बाद भी आप ये क्वेश्चनिंग करो, तब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लग जाएगा. ये बातें जो अभी हम कर रहे हैं, ये थोड़ी देर तक याद रहेगी, उसके बाद में सब भूल भाल जाओगे. ये प्रैक्टिकल बात है. जैसे ही वापस से अपनी उस हैबिट में जाओगे, जो हैबिट आपको पड़ी हुई है पिछले कुछ सालों से, तो सारी बातें भूल जाओगे, उसकी तरफ खींचे चले जाओगे, और फिर वो आपको ओवर पावर कर लेगा, आपकी ब्रेन को, और आपकी ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगी. आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे. ये होने वाला है, ये सेशन खत्म होते ही यही होगा. क्या रियल प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन है, या रियल प्रॉब्लम ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर नहीं है? डू यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे कुछ करना है? अंदर से ये आग लगी हुई है, सच बोलो अपने आप से. डू यू हैव दैट फायर? अगर होगी तो फिर तो ये सोशल मीडिया पे हावी हो ही नहीं सकता ना. ये आपको ओवर पावर नहीं, कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकता. डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं.